क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पापा का नाम क्या है? मम्मी का क्या नाम है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव है। अच्छा केशव, कहाँ से आ रहे हो आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो। और कितना एज हुआ तुम्हारा? 15 साल। और हमारे अहमदाबाद सेंटर पर आए उससे पहले तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? मुझे दोनों कानों में सुनाई नहीं आता। नहीं आता था बहुत। अच्छा, और मशीन लगाते थे तो क्या पोजीशन थी? तो मशीन लगाते थे तभी मुझे आवाज आ गई थी बस। तो फिर मुझे बोला भी नहीं आता, मम्मी ने मुझे सिखाया था। बराबर। ओके, तो यहाँ पे हमने जो ट्रीटमेंट किया बिना मशीन बिना ऑपरेशन वाला, 2 घंटे आप रुके, यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? अब मुझे फर्स्ट क्लास हो गया। बढ़िया सुनाई दे रहा है ना? एकदम मैजिक जैसा लग रहा होगा कि अचानक कैसे कैसे हो गया 2 घंटे में। और इससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अभी 3 महीने का मेडिसिन है, घर पे करना है, ठीक है। उससे इम्प्रूवमेंट और बढ़ेगा, पर शब्द की पहचान तुम्हें करनी पड़ेगी। दवाई सुनवाएगी, दवाई से सुनने की क्षमता बढ़ेगी, बट शब्द की पहचान यहाँ होती है, वो तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ सर, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील भाई, आपके बेटे का रिजल्ट देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई है। मुझे तो लग नहीं रहा था कि हाँ बिना मशीन के ये सुन पाएगा, पता नहीं। मुझे आने से पहले तो थोड़ी घबराहट, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, इतने पैसे लग जाएंगे और उसके बाद भी। सही सही बात है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ी संतुष्टि तो। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका बेटा बिना मशीन के सुनेगा और बोलेगा भी, बस मशीन बिना मशीन के प्रैक्टिस करवाना है और धीरे धीरे मशीन कम करना है बस। बिल्कुल ठीक है। हाँ मैडम, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो रेफरेंस देगी ना? अभी जो भी बच्चे होंगे जो इसके टाइप के बेचारे, सभी पेरेंट्स को है जिनके बच्चे ऐसे, प्लीज यहाँ पे आओ और अपनी मतलब बच्चों को ठीक करा के जाओ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।